केशव, मेरे 100 पुत्र मारे गए और मैं अंधा क्यों हुआ? मेरे पूर्व जन्म का क्या पाप है? धृतराष्ट्र आंख से अंधे हैं, लेकिन आंख के ना होने से वासना नहीं मिट जाती। काश सूरदास ने धृतराष्ट्र का ख्याल कर लिया होता तो आंखें फोड़ने की कोई जरूरत न होती। सूरदास ने आंखें फोड़ ली थी इसलिए कि न रहेगी आंखें, न मन में उठेगी कामना, न मन में उठेगी वासना। परंतु आंखों से कामना नहीं उठती, कामना उठती है मन से। आंखें फोड़ भी डाली जाएं तो भी वासना का कोई अंत नहीं है। पिता के जीवन के काल में उसके 100 पुत्र क्यों मारे गए? इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? महाभारत में धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए थे, क्या यह उनके पुनर्जन्म के किसी कर्म का दंड था? धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि गंधारी को 100 संतानों का जन्म देने का आशीष है तो अंधेपन का दुख मिट गया था। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और एक पुत्री हुए। कुरुक्षेत्र में उनके 100 पुत्र मारे गए थे। एक पिता के लिए इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? उससे 100 पुत्र का शोक मनाना पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का जो संदेश दिया था उसे अर्जुन के अतिरिक्त संजय और धृतराष्ट्र ने भी सुना था। उसमें भगवान ने कहा था कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, सबको उनके पूर्व के कर्मों का दंड भोगना होगा। धृतराष्ट्र की वह बात समान थी। दुर्योधन और दुशासन मुख्य रूप से पांडवों और द्रौपदी के दोषी थे। उनके मारे जाने को तो धृतराष्ट्र कर्म और दंडों से जोड़ रहे थे, परंतु शेष पुत्रों की तो कोई भूमिका ही नहीं थी। वे क्यों मारे गए? यह प्रश्न धृतराष्ट्र को कचोटता था। महाभारत युद्ध समाप्त होने पर धृतराष्ट्र ने कृष्ण से पूछा, मैं अंधा पैदा हुआ, मेरे सब पुत्र मारे गए, भगवान मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिसका यह दंड मिल रहा है? आपने अर्जुन से कहा था कि जो हो रहा है वह कर्मों का दंड है, मेरे अंधे होने और 100 पुत्रों के मारे जाने के पीछे का क्या कारण है? कृपया मुझे बताइए, अपने पुत्रों को खोने की पीड़ा से उबरने में यह काम आएगा। श्री कृष्ण ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, आपने उचित ही सुना था, कर्मों का दंड भोगना ही पड़ता है, उससे किसी को छूट नहीं है। राजा और समर्थवान लोगों को कर्म का दंड विशेष रूप से भोगना पड़ता है। ईश्वर उन्हें समर्थवान बनाते हैं तो उनसे ज्यादा जिम्मेदार होने की आशा रखते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ तो देना ही पड़ता है। महाराज, आप इस जन्म में भी राजा है, पूर्व जन्म में भी राजा थे, पर आपने कई पाप कर्म किए। धृतराष्ट्र अधीर हो गए। वह बोले, केशव, मैंने इस जन्म में जो किया वह मेरे सामने है। एक राजा और एक बड़े परिवार का मुखिया होने के नाते मुझे वही उचित लगा। पूर्व जन्म का रहस्य जानने को मैं उत्सुक हूँ। कृपया वह रहस्य खोले कि ऐसा कौन सा पाप था कि मैं अंधा ही हुआ, 100 पुत्र भी गंवाए। भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को पूर्व जन्म की याद दिलानी शुरू की। उन्हें पूर्व जन्म में लेकर गए। भगवान बोले, महाराज धृतराष्ट्र, पिछले जन्म में भी आप एक राजा थे। आपके राज्य में एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण के पास हंसों का एक जोड़ा था जिसके 4 बच्चे थे। ब्राह्मण को उन हंसों से अपने संतानों के जैसा लगाव था। ब्राह्मण को तीर्थ यात्रा पर जाना था, लेकिन हंसों की चिंता में वह जा नहीं पा रहे थे। उसने अपनी चिंता एक साधु को बताई। साधु ने कहा, तीर्थ में हंसों को बाधक बताकर हंसों का अगला जन्म खराब क्यों करते हो? राजा प्रजा पालक होता है, तुम और तुम्हारे हंस दोनों उसकी प्रजा हो। हंसों को राजा के संरक्षण में रखकर तीर्थ को जाओ। आप एक प्रजापालक राजा थे, इसलिए ब्राह्मण को यह बात जम गई। वह आपके पास आया और अपनी सारी परेशानियां कह सुनाई। आपने ब्राह्मण के तीर्थ से लौटकर आने तक हंसों की रक्षा का दायित्व स्वीकार कर लिया। ब्राह्मण हंस और उसके बच्चे आपके पास रखकर तीर्थ को गए। हंस आपके महल के तालाब में ही पलने लगे। आपको एक दिन मांस खाने की तीव्र इच्छा हुई। आप उस समय अपने महल के बाग में घूम रहे थे। आपकी नजर हंसों पर पड़ गई। आपने सोचा, सभी जीवों का मांस खाया है, पर हंस का मांस आज तक नहीं खाया। इसका स्वाद आखिर कैसा होता होगा? आप इसी विषय पर सोचते रहे और हंस का मांस खाने की इच्छा तेज होती चली गई। यह इच्छा अब पराकाष्ठा पर पहुंच गई और आप खुद को रोक न पाए। आपने हंस के 2 बच्चों को भूनकर खा लिया। उसका स्वाद आपके जीवा को लग गया। हंस के एक एक करके 100 बच्चे हुए। आप सबको खाते चले गए। अंततः हंस का जोड़ा संतानहीन होकर दुख में मर गया। कई साल बाद
वह ब्राह्मण तीर्थ यात्रा से लौटे और आपके पास आया। उसने आपसे अपने हंस के बारे में पूछा। हंस तो आपके लोभ की बलि चढ़ चुके थे। प्रजापालक राजा यह कैसे कहता कि उसने अपनी प्रजा की संपत्ति को चुपके से लूट लिया है। इसलिए आपने ब्राह्मण से कह दिया कि हंस बीमार होकर मर गया। ब्राह्मण दंपत्ति आप पर पूरा भरोसा करता था, उसने आपकी बात मान ली और विलाप करते घर चले गए। महाराज धृतराष्ट्र, आपने हंस के बच्चों को खाकर और फिर झूठ बोलकर एक साथ कई अपराध किए। और सुनिए, आपने तीर्थ यात्रा पर गए उस व्यक्ति के साथ विश्वासघात किया जिसने आप पर अंधविश्वास किया था। आपने प्रजा की द्रोहर में डाका डालकर राजधर्म भी नहीं निभाया। जीबा के लालच में पड़कर हंस के 100 बच्चे भूनकर खा गए। जिसने आप पर आंख मूंद कर विश्वास किया उस तीर्थ यात्री से आपने झूठ बोला, यह बहुत बड़ा पाप है। हे राजन, इन घोर पाप कर्मों का आपको दंड मिला है। जैसे आपने जीबा के लालच में हंस के 100 बच्चे मारे, वैसे ही आपके 100 पुत्र हुए और लालच में पड़कर मारे गए। उन सबकी जीबा भी आवश्यकता से अधिक उदंड थी। जिसने आप पर आंख मूंद कर भरोसा किया उस तीर्थ यात्री से आपने झूठ बोला और राजधर्म का पालन नहीं किया। कोई आंख मूंद कर विश्वास करे तो उसका विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए। इसी विश्वासघात के कारण आप अंधे और राजकाज में विफल व्यक्ति हो गए। श्री कृष्ण ने कहा, सबसे बड़ा छल होता है विश्वासघात। आप उसी पाप का फल भोग रहे हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने मित्रों व परिवार से जरूर शेयर कीजिए।